गिरिपार क्षेत्र में पेयजल की समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस समस्या से बार बार आईपीएच विभाग को अवगत करवाया गया है, लेकिन इस समस्या का कोई भी निवारण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। गिरिपार क्षेत्र में पेयजल की समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है। बार बार आईपीएच विभाग को अवगत करवाने के बाद भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गिरिपार के लोग पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। लोगों का कहना है कि 7-8 महापूर सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग ने कांटी व हरिजन बस्ती खील के लिए उठाऊ पेयजल योजना का टेंडर करवाया, लेकिन ठेकेदार द्वारा अभी तक भी इसका काम शुरू नहीं किया गया है, जिसे लोगों में अब रोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो 3 से 4 किलोमीटर दूर जाकर पीने का पानी लाते हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि गाँव वालों की पीने के पानी की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। समस्या सबसे ज्यादा तो जी पानी की है, क्योंकि कई सालों से हम इस स्थिति से गुजर रहे हैं कि हमें पानी की जो है सबसे ज्यादा समस्या आती है। कई बार अगर सोल्यूशन हो भी जाता है तो एक अगर ऑर्डर कर देता है कि भाई हाँ पानी आ रहा है, फिर दूसरे नेता उसको ये करते हैं कि नहीं यहाँ तो पूरा चला हुआ है पानी। गर्मी आती है तब हमें परे कितना दूर है सर, कम से कम 2-3 किलोमीटर पानी दूर से हमें पानी उठा के सर पे लाना पड़ता है। ऐसे में हम अपनी गरीबी से जूझ रहे हैं और ऊपर से हम टाइम पे पानी भी नहीं मिलता, यहाँ तक कि पीने के लिए हमें वहाँ से लाना पड़ता है, और पशु भी, और वहाँ ऐसा खाड़ा है कि वहाँ कोई भी सुविधा नहीं, वहाँ पशु भी इकट्ठा पीते हैं, इंसान भी इकट्ठा पीते हैं, वहाँ कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई हमें थोड़ी सी सुविधा अलग से मिले कि भाई। और जो ये योजनाएँ हैं जैसे उठाऊ पेयजल योजना, जैसे नीचे मतलब क्या नाम क्या हमारे के लिए और इधर, तो वो आधी आधी योजनाएं पूरी हो जाती है, बीच में उसका कोई ना, तो बाद में कोई उसके बारे में ना तो सोचता है ना उसके बारे में करता है, बाद में फिर वो अधूरी हो जाती है। सब नेता बन जाते हैं, एमएलए बन गए, प्रधान बन गए, कहीं वो अच्छे अच्छी उसके अपने उस समय बोल देते हैं हमारे को कि भी हाँ और ऐसा होगा, बाद में ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए हम जो है सारी जनता पिछड़ रही है, और खासकर हम पीने के पानी के लिए हमें सबसे ज्यादा सरकार से हम चाहते हैं कि वो हमें सीधा हमारी ओर ध्यान दे कि गरीब लोग कैसे जी रहे गाँव में। ग्राम कांटी की पानी की समस्या के बारे में बताना चाहता हूँ। तो पानी के बगैर हमारे बड़े परेशान है। तो सिंचाई योजना कम से कम 10 सालों से लटकी हुई है, और पीने के पानी की तो बहुत समस्या हो रही है, और खाले में पानी बहुत है, लेकिन वो ठीक ढंग से वो यूज़ उधर। तो आपसे वो मैं विनती करता हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ समाधान करें। जितने भी एमएलए वगैरह है और जितने भी नेता है आते रहते हैं, लेकिन बाद में कुछ नहीं, वोट मांगने आते हैं, बाद में कुछ नहीं होता है। तो सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि इसके बारे हमारी समस्या जो है सुलभ करें। समस्या में पानी 2-3 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है टोटो के, और जो ये उठाओ पेयजल स्कीम चली है वो आप चालू कर दो, लिफ्ट द्वारा चला हुआ है जो। हाँ हमें शिकायत की थी, हमें बहुत दिक्कत है, ना वहाँ यहाँ पे डंगरों को मिलता है पानी, ना हमें मिलता है पानी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, पौंटा साहिब।